दोस्तों, आप सभी का वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, आँख में धूप बहुत ज़्यादा लग रहा है जिसके कारण यहाँ पे इशू हो रहा है। और आज जा रहे हैं दोस्तों दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बस यहाँ से गेट है, यहाँ से अंदर चलेंगे। क्या बोल रहा है? और जा रहे हैं अपने भाई लोगों के साथ, विशाल और क्या नाम है भाई, राहुल, राहुल के साथ जा रहे हैं इंजॉय करते हुए। विशाल घट और एक दोस्त है विशाल, विशाल के साथ जा रहे भाई यहाँ से। और फिलहाल के लिए धूप बहुत है, आपने टाइम लैप्स एंजॉय किया हो, कैसा लगा बताइए। चलते आगे, यहाँ पर बहुत हल्ला हो रहा है फिलहाल के लिए। तो कुछ बीटी हो चुका है यहाँ पर, बीटी ये हो चुका है कि यहाँ ऊपर बिल्कुल पानी, मतलब प्लास्टिक का यूज एकदम पूरा बंद कर दिया है। बंद कर दिया मतलब ये नहीं कि आप इसको ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक चालान देगा, चालान में आपको लिखवाना है कि आप कितना प्लास्टिक बोतल ले जा रहे हैं, कितना प्लास्टिक में जो भी सामान ले जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ चिप्स वगैरह ले जा रहे हैं ऊपर, अपन ऊपर चढ़ेंगे तो इतना दो तीन घंटा रहेंगे तो कुछ खाएंगे, तो उसका एक अंकल ने बना दिया है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये है उसका चालान का, इसमें यहाँ पीछे लिख दिया गया है हमारे पास कितना प्लास्टिक के चीज़ें हैं। प्लास्टिक के चीज़ों के बाद अगर ऊपर कहीं आप फेंक नहीं सकते, आपको रिटर्न लाते समय इस दिखाना होगा कि आप क्या क्या ऊपर ले जा रहे हैं। और मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा चीज़ किया हुआ इन लोगों ने। और चलिए भैया से बात करते हैं, भैया से बात करते हैं कि भैया से बात करते हैं कि पूछते हैं कि ऐसा किसके कारण क्या। चलिए भैया, ये मेरा एक यूट्यूब चैनल है भैया, सबसे पहले हाय बोल दीजिए सबको। हाय भैया, ये जो आजकल चालान बनाने स्टार्ट किया, पिछले कब से चालू कर दिए भैया? ये 1 नवंबर से स्टार्ट हो गया है। 1 नवंबर से स्टार्ट हो गया, ये सरकार के द्वारा से, आदेश से, सरकार के आदेश से प्लास्टिक जो है सेंचुरी में नहीं फेंकना है, प्लास्टिक कचरा जो भी रहता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ये अगर चालान ये ले जाते हैं तो अभी मान लीजिए कोई प्लास्टिक अगर बाहर फेंकता है तो उनको चालान लगता है? हाँ, उसका जुर्माना है, अगर कोई इस तरह का गंदा फेंकेगा तो 25,000 का जुर्माना, नहीं तो 3 साल का कारावास। बिल्कुल, देख लीजिए भैया से जैसे बात कर लिए, 25,000 का जुर्माना और 3 साल कारावास अगर कोई भी गलती करते अगर फेंकते हैं वगैरह। अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, बहुत बढ़िया। एंड भैया यहीं के यहाँ पे मतलब जो देखभाल करते हैं अपने, जरूरी है भाई, झारखंड में रहते हैं, वन और प्रकृति को सेव करना कितना इम्पोर्टेंट है ये आप सभी से और कोई नहीं जानता होगा। चलिए अब इसके बाद डायरेक्ट मिलेंगे ऊपर। थैंक यू सो मच। लोकेशन से बस 2 किलोमीटर दूर है। आप लोगों को कैसा लगा पूरा वीडियो अभी तक के लिए, फिलहाल के लिए बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो अभी तक तो श्योर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, झारखंड से होंगे तो श्योर सपोर्ट करिएगा। एंड अभी यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ खिंचाएंगे, देखिए क्या सही लोकेशन लग रहा है। कुछ फ़ोटो जो है आपको मिल जाएंगे इंस्टाग्राम में, नीचे मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल का लिंक है। और अपने भाई लोगों का भी इंस्टाग्राम का बता दे, विशाल सुन भाई, अपने भाई लोगों का भी इंस्टाग्राम का लिंक डाल देंगे नीचे। विशाल तेरा क्या यूजर नेम है? विशाल.गुराई.14 है उसका भाई। राहुल 046। अरे भाई आके इसमें बोल दे, तेरा भाई क्या है यूजर आईडी नेम? राहुल 046। राहुल 046। और अपने विशाल को तो मैं टैग करते ही रहता हूँ। एंड चलिए यहाँ जो फोटोज खिंचाते हैं आपको मिलेगा इंस्टाग्राम में, एंड इसके बाद ऊपर पहुँच के ही स्टार्ट करते हैं दोबारा से। तो दोस्तों फाइनली इतना मुश्किल के बाद दलमा पहुंच चुके, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड चलते इधर में कुछ कुछ अच्छे अच्छे लोकेशन। मेरे पीछे आपको क्या, आप थोड़ा सा कैमरा इशू थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है इसलिए देख रहे होंगे ऐसे। चले आगे कुछ दिखाते हैं आप लोग उनको, घुमाते हैं दलमा आज बिल्कुल अच्छी तरीका से। एंड अब चलेंगे चलेंगे पूरा हर जगह चलेंगे। एंड चलिए, बंदर उंदर आ चुका है गाइस भर के, आगे बढ़ पकड़ा पकड़ा दोस्तों तुम तो शेर चीता देखा था, बंदर से क्या हो गया नहीं में हाथ पकड़ लिया था मैं, बंदर आ चुका, लेकिन अपना भाई लोग बंदर से भी तेज है, बच के निकल गया वहां से। चलिए ऊपर चलते या फिर कहीं भी घूमते, दिखाते हैं आपको कुछ कुछ और लोकेशन।
तो दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा बीटी हो चुका है, बंदर बहुत आ गया है। अपन जो खाने उन्हें गलाए थे शायद नहीं खा पाए क्योंकि भाग दौड़ करना पड़ रहा है। देखिए देखिए अपना भाई अभी पूरा मशक्कत किया, बट झाड़ी तोड़ेगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो इन फ्यूचर। पहले से हथियार रख लेना, पहले से ही हथियार रख लेना ज़्यादा बेहतर है कि कोई बाद में दिक्कत ना हो। विशाल एक तो तुम भी ले ले भाई। एक आदमी हथियार पकड़ लिया, विशाल हथियार दिखा तो इधर तुम पहले दिखा। अपना भाई ले लिया हथियार, अब कोई सीन हुआ तो एक ठो बंदर नहीं बचना चाहिए। चलिए ऊपर चलते हैं दोस्तों, दिखाते और कुछ कुछ अच्छे अच्छे लोकेशन। शायद मैं थोड़ी देर के बाद वीडियो बंद कर दूं क्योंकि बंदर सब बहुत हो चुके हैं, फोन उन छीन के भाग जाएगा तो गलत सीन हो जाएगा। चल ऊपर चल पहले, एंड चलते हैं यहाँ से ऊपर। शिव शंभू का मंदिर है और साथ ही बहुत सारा, और बजरंगबली का मंदिर है। चले मंदिर से घूमते हैं, देखते हैं, इंजॉयमेंट करते हैं, मजा करते हैं। छोटा पिकनिक टाइप से हम लोग आज यहाँ पर आए हैं। चलते ऊपर। तो भाई लोग देखिए जमशेदपुर का सबसे टॉप लोकेशन, सबसे टॉप लोकेशन देखिए क्या ही सही लग रहा, पूरा एकदम प्रॉपर नेचर का वाइब जिसको बोलते हैं। देखिए क्या सही लग रहा है। चलिए आगे तरफ दिखाते हैं कुछ इंटरेस्टिंग। अपने भाई लोगों का फोटोशूट चल रहा है, ये भाई फोटो खींचने में व्यस्त है। देखिए वो दूर है जो पहाड़, वो दिख भी नहीं रहा है, पूरा एकदम पूरा एकदम फॉगी हो चुका है वेदर। टाइम हो रहा है अभी 2:30 बजे, फिर भी जो वेदर है पूरा फॉगी हो चुका है। एंड देखिए भयानक लग रहा है पूरा सीन। अगर ये व्यू अगर आपको सबको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और एक अच्छा सा कमेंट लिख दीजिएगा हनुमान जी के नाम पे, जय श्री राम या श्री हनुमान जी की जय जरूर लिख दीजिएगा। एंड देखिए तो दोस्तों दलमा के इस व्लॉग को एंड करते हुए देखिए क्या अच्छा सीन मिला है आपको। मैं थोड़ा सा अच्छे से तरीके से दिखा दूँ, देखिए और दिखाते हैं और एक अच्छा अच्छा देखिए। हट हट विशाल, आ गया सामने। देखिए दोस्तों दलमा में अभी जस्ट घूमते हुए क्या अच्छा सीन मिला है, प्रॉपर वाइल्ड लाइफ। रुकिए रुकिए एक और फिल्म दिखाते हैं। देखिए अपना दोस्त एक पत्ता खिला रहा है, नहीं मच्छू मच्छू विशाल। देखिए क्या सही लग रहा है, ले विशाल खिला विशाल। देखिए क्या सही लग रहा है, हाथ मत दे, हाथ मत दे, डर रहा हो, हाथ मत दे तो डर रहा। कहाँ डर रहा, ले ठल लंगा पीछे से मत कर, मत कर। देखिए बाबा ये हिरन छू लिया, कुछ डर भाई एकदम नहीं। देखिए बारह सिंघा हिरन, बारह सिंघा, हाँ। देखिए दोस्तों बारह सिंघा का जो सिंह है वो लग रहा है पूरे लकड़ी की तरह का, लकड़ी का सिंह है, गाय के टाइप में नहीं, छोटा छोटा एकदम प्रॉपर। देखिए इतना नुकीला सिंह, देखिए देखिए क्या सीन लग रहा है, पूरा हिरन हिरन। जुगली पार्क में आपको इतना सामने से नहीं देखने मिलेगा जितना आपको एक धर्मा प्रॉपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलेगा। मुझे लगता है कि शायद यहीं से वो लोग ले जाते हैं और उस वो जू पर रखते हैं। कितना सही लग रहा है दोस्तों, देखिए वीडियो बना रहे हैं तेरा, पोज दे पोज ही कर, वीडियो बना रहे तेरा वीडियो। हमको लग रहा है ना कि यहीं से क्या बोलते ले जाता है जूली पार्क में विशाल, और घूम गया हम, घूम गया पहुंचे नहीं होगा ऊपर। हां तो दोस्तों इन सब डिटेल्स के बाद, जर्नी के बाद, दलमा बाबा के दर्शन करने के बाद आप हम लोग पहुंच चुके हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एक छोटे से, मतलब छोटे से क्या, काफ़ी बड़ी जगह पर ये ओपन सेंचुरी फैला हुआ है। एंड इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आज का टूर पसंद आया होगा। इन नेक्स्ट संडे या फिर किसी और दिन मैं देखता हूँ कहीं और भी टूर निकालने का। अगर इस टूर को इसे पसंद किया है आप लोगों ने तो इस वीडियो को श्योर लाइक करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपका एक सब्सक्राइबर से मुझे मोटिवेशन मिले। मिलते हैं किसी ऐसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।